नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ओके क्रेडिट में। और आज हम जिस बिजनेस के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, वो आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कहीं हरी भरी जगह पर खड़ी हूँ। और जिस बिजनेस को लेके आज हम आपसे बात करेंगे, जिस बिजनेस को लेकर आज हम आपसे टिप्स शेयर करेंगे, वो बिजनेस है नर्सरी का। नर्सरी के बिजनेस को लेकर तमाम पहलुओं को आज समझने की कोशिश करेंगे उनसे जो इस बिजनेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। लेकिन उससे पहले आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए हमें बताएगा कि किस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं बिजनेस को लेकर। तो चलिए, नर्सरी के बिजनेस की बारीकियों को जानने के लिए सीधे चलते हैं इनके ओनर के पास और जानते हैं कि कितनी लागत में इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था, कितने साल हो गए और कितना प्रॉफिट अब तक कमाया है। वो तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे जो आपके और हमारे जहन में लगातार चलती हैं बिजनेस को लेकर। तो चलिए, तो मैं इसको खड़ी हूँ इस नर्सरी के ओनर के साथ जिनका नाम मानसी है, और मानसी आपके नाम पर ही ये नर्सरी है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि नर्सरी स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया था? एक्चुअली में मेरे फादर एग्रीकल्चर में जॉब करते थे, देन वहाँ से पापा को थोड़ा थोड़ा गार्डनिंग का शौक भी था, देन फिर पापा ने अपने खुद की एक शॉप खोली एंड अपने थोड़े बगीचे भी हैं, देन थोड़ा थोड़ा पापा ने आइडिया दिया, देन मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, देन हमारी अब नर्सरी है अबाउट 13 ईयर्स। जब हमने स्टार्ट किया था अप टू 5 लाख लगे थे हमारे, ऊपर थोड़ा छोटा था, देन अब हमने एक्सटेंड करना था थोड़ा, तो हमने यहाँ नीचे लीज पे थोड़ी जगह ली, तो ये लगी हमारी को इन्वेस्टमेंट 10 लाख। और अगर आपको छोटे पैमाने पे इसे अगर स्टार्ट करना है तो आपका जैसे 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं आप इसे, या 2 लाख, जिस तरह आपने एक्सटेंड करना है, जिससे आपने सोचा है कि हमें इतने एरिया में जगह चाहिए, इतना स्टार्ट करना है, तो 2 और 3 लाख में बहुत अच्छी छोटी सी नर्सरी खुल सकती है। शुरुआत से ही प्रॉफिट आना शुरू हो गया या महीने के? ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम तो लगता ही है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, कुछ टाइम तो उसको सेटल होने में लगता है, जैसे हमें भी लगे थे 1 to 2 years लगे थे, देन अब हमारा बिजनेस काफी अच्छा चलता है। महीने की वजह से हमारी टर्नओवर है 2 लाख हो जाती है, बट उसमें से 50,000 हमें प्रॉफिट होता है, देन बाकी जो हमारा इधर उधर से सामान आया होता है, वहाँ का लेन देन जो भी चलता है, जिसे प्लांट्स लेके आते हैं, कई सीडलिंग्स आती हैं, गमले आते हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा दो ही चीज़ें यूज़ होती हैं, मिट्टी और खाद, बस इसके लिए यूज़ होता है, और बाकी जो हमारी एंटीसेप्टिक्स जो भी होते हैं वो आते नहीं हैं फिलहाल, क्योंकि हम यूज़ नहीं करते हैं, हम नेचुरल ये ब्रह्मी कंपोस्ट जो होती है ये नॉर्मल मिट्टी यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी को बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए क्या टिप्स हैं शुरुआती दौर पर मिनिमम अमाउंट में? मिनिमम अमाउंट में 2 लाख अगर उनको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो, और अगर थोड़ा एक्सटेंड करना है, ज़्यादा बड़े एरिया में स्टार्ट करना है, तो 5 लाख मान के चलिए। कैसे एरिया में नर्सरी होनी चाहिए? मैक्सिमम तो रोड एंड पे ही होनी चाहिए, और या तो फिर जहाँ मार्केट के बीच में होनी चाहिए, कि जो मैक्सिमम तिब्बतियन लोग होते हैं, जो उनको इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जो बाहर के फॉरेनर्स आते हैं तो वो गलियों में तो घूमते नहीं हैं, तो फिर ये रोड हेड पे तो वो आते जाते हैं, हमारा काफ़ी जो मतलब है एडवर्टाइजमेंट उन्हीं के थ्रू हो जाती है। मेंटेनेंस का कोई वो नहीं है, पानी प्रॉपरली, गार्डनिंग जितना भी है, गुड़ाई प्रॉपरली हो, पिंचिंग प्रॉपरली हो, पानी प्रॉपरली दिया जाए, तो वैसे ही मेंटेन हो जाते हैं अच्छे से। जैसे कि इन्होंने बताया कि कोई भी बिजनेस शुरुआती तौर पर नहीं चलता, आपको थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ता है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि 13 साल इनके बिजनेस को हो गए, जिनमें से 2 साल इनको मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद इनका बिजनेस अब अच्छे से फल फूल रहा है। अब इनके साथ इनकी नर्सरी की सैर करते हैं और कुछ और प्लांट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे किसी ने नर्सरी ओपन करनी है अपनी न्यू, तो वो इस चीज़ का खास ध्यान रखे कि उस टाइम सीज़न के अकॉर्डिंग कौन से प्लांट्स लाना ज़्यादा ज़रूरी होंगे। बाकी जो ऑल सीज़न प्लांट्स होते हैं वही होते हैं, जैसे ऑर्नामेंटल्स, हर्ब्स, फ्रूट्स, तिब्बतियन लोग होते हैं, फॉरनर लोग होते हैं, वो मैक्सिमम इन्हीं चीज़ों को लाइक करते हैं। गमले भी 2 टाइप के मिलेंगे, कुछ हाथ से बने होते हैं और कुछ मशीन द्वारा तैयार किए जाते हैं। हमारा ज़्यादातर हैंडमेड गमला ज़्यादा बिकता है, इसमें हमें काफ़ी प्रॉफिट होता है। इसको हम बोलते हैं कोकोपीट, इसको मैक्सिमम लोग वैसे बाहर से खरीदना पसंद करते हैं, बट ये घर पे भी तैयार हो जाती है नारियल के छिलकों के थ्रू, अगर आपके पास प्रोवाइड हो वहाँ पे तो। और इसमें हम प्लांट्स की कटिंग्स तैयार करते हैं, बेसिकली ये इसी चीज़ के लिए यूज़ होती है, अदरवाइज ये किसी प्लांट में यूज़ नहीं होती है।
तो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको तमाम वो बिंदुओं को समझाने की कोशिश की है जो एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और लगातार आपके हमें मैसेजेस मिल रहे थे कि नर्सरी के बिजनेस के बारे में बताइए, इसलिए हम खुद एक ऐसी नर्सरी में पहुंच गए जहां पर हमें लगा कि बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए और बिजनेस के लिहाज से ये बहुत अच्छा मौका है आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप कोरोना काल में भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त भी कस्टमर्स आ रहे हैं। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत और एक बार फिर से आपसे ये करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।